और यार आज कैसे भी करके सिद्धू मूसेवाला की हवेली से मैं थार चुरा ही लूंगा। इतनी महंगी वाली मॉडिफाइड थार है, पूरे का पूरे लॉस सैंटोस में पूरा एक पीस है। आज कैसे भी करके सिद्धू मूसेवाला की हवेली के अंदर जाऊंगा यार, यहां से राउंड मारता। ओ भाई साहब, यहां पे तो दो बॉडीगार्ड भी खड़े हैं यार, इसके अंदर मेरे को जाना है। इतनी बड़ी हवेली है, इस हवेली के अंदर मेरे को कैसे भी एंट्री लेनी है। इधर से जाके देखता हूँ कोई अलग रास्ता है क्या यार, इतनी बड़ी है, पानी के अंदर से कैसे जाऊँगा। अरे इतने बड़े बड़े भाई साहब बॉर्डर बनाए गए, यानी कि दीवार खड़ी कर दिए गए ये हवेली में, इसके अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है यार। मेरे को आगे गेट से ही जाना पड़ेगा। कैसे भी करके आज सिद्धू मूसेवाला की थार चोरी कर लूँगा और अपने इलाके में लेके चला जाऊँगा यार। मैं बलास गैंग का मेम्बर हूँ, बलास गैंग का। ओ भाई साहब, इसके अंदर कैसे जाए, गेट लगी है, यहाँ पे दो बॉडीगार्ड भी खड़े हैं यार। कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, कैसे भी करके आज मेरे को इस वाले थार को चोरी करना। एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी साइकिल लगाता हूँ और मेरे पास तो स्टन गन है, स्टन गन से इसको मार दूंगा और बहुत सारा करंट वरंट दे दूंगा। ओ भाई साहब, कैसे भी करके इनको टपका डालना है और अपनी थार को यहाँ से कैसे भी करके लेके चला जाना है। ओ भाई, यहाँ पे तो मैं आ गया। ओ भाई क्या कर रहा हूँ भाई, कैसे भी करके इसको टपका डालना है यार। चलो यहाँ पे छिप गया। ओ भाई, यहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा है, इसको कैसे ये मारा, फर्स्ट हेडशॉट। ओ भाई, इसको करंट लग गया है, अभी ये भाई बेहोश हो जाएगा कुछ देर में, और इसको भी मैंने मार ही दिया है। ओ तेरी, दो को मैंने टपका दिया। ओबे भाई, इसको ये कैसा, ओ भाई जिंदा हो गया। अबे, इसको तो मैंने मारा था यार, इसको लगता है करंट कम पड़ी। दोनों को मैंने टपका दिया यार। चलो दोनों बेहोश हो गए और सुबह मर भी जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। इनको बहुत तगड़ा वाला करंट दिया है मैंने। अब इस हवेली के अंदर कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो बड़ी सी गेट लगी है, इस गेट को मैं खोल सकता हूँ क्या यार? ये तगड़ी वाली गेट है यार, गोकुलधाम सोसाइटी में भी ऐसी गेट नहीं है जो कि भाई यहाँ पे लगाई गई है। चलो कोई बात नहीं, हवेली के अंदर कैसे भी एंट्री लेते हैं और हवेली के अंदर से महिंद्रा की थार चुराएंगे, मॉडिफाइड थार सिद्धू मूसेवाला की हवेली के अंदर। ये देखो भाई सब, लाइट वाइट लगाई गई है, कितनी बढ़िया लग रही है रात के टाइम में हवेली। लेकिन हवेली का लाइट ऑफ है और भाई हवेली के बाहर का जो भाई साहब इलाका है उसमें बहुत ही लाइट जल रही है। धीरे धीरे करके हवेली के अंदर जाऊँगा और थार को चोरी कर लूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। चलो फटाफट से अंदर जाता हूँ। ओ भाई, ये रही हवेली, इनकी सिद्धू वाला की थार कहाँ पे खड़ी होगी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कैसे भी करके आज थार को चोरी कर लेनी है यार। ओ भाई, यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया वाला भाई साहब हवेली है, यहाँ पे भी बॉडीगार्ड होंगे, मेरे को पता है यार, पूरा गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा यहाँ पे बॉडीगार्ड है, यानी कि हवेली में बहुत ही ज्यादा बॉडीगार्ड है यार। वो देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया वाली हवेली है। अब यहाँ से मैं दौड़ के डायरेक्ट पार्किंग एरिया में जाता हूँ सिद्धू मूसेवाला जी का। ओ भाई, यहाँ पे दो गाड़ियाँ लगी है जिसको मेरे को पता था, एक भाई साहब स्कॉर्पियो है, एक महिंद्रा की थार है। लेकिन मेरे को महिंद्रा की स्कॉर्पियो नहीं, महिंद्रा की थार ले जानी है, मेरे को यही बॉस ने बोला है इसी वाले थार को चोरी करने के लिए। ये देखो मैं टॉर्च से आपको दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, ये रही महिंद्रा की सिद्धू मूसेवाला की थार, क्या तगड़ी है ना। और ये स्कॉर्पियो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेरे को स्कॉर्पियो नहीं ले जाना है यार, मेरे को स्कॉर्पियो नहीं, ये वाला थार ले जाना है, बहुत ही बढ़िया वाला ये थार है। आप लोगों को ये थार कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। चलो फटाफट से इसमें बैठता हूँ और पहली फुर्सत में हवेली से बाहर निकलता हूँ, वरना अगर कोई देख लेगा और मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरी बहुत ही धुनाई पिटाई होगी और मैं जेल में भी जा सकता हूँ। ओ भाई, मैं यहाँ से लेके फरार हो चुका हूँ सिद्धू मूसेवाला के हवेली से, अब निकलने वाला हूँ और भाई अब कोई नहीं रोक सकता इस वाले थार को मेरे को चोरी करने से। ओके, फाइनली मैंने भाई साहब थार को चोरी करके बाहर निकल चुका हूँ और चलता हूँ अपने इलाके में। अरे यार, मैं हूँ सिद्धू मूसेवाला, रात के टाइम में हमारी थार चोरी हो गई, दो लोगों को मार के कोई गुंडे आए हमारी थार को चोरी कर ले गए। ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमारी महिंद्रा की मॉडिफाइड थार कैसे चोरी हो सकती है? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी महिंद्रा की थार किसी ने चोरी कर ली। ओ भाई साहब, दो बंदों को किसी ने मार डाला है और भाई थार को चोरी कर ली। अभी तो भाई साहब पार्किंग एरिया में क्या बढ़िया से हमारी दो कार लगी थी, एक महिंद्रा की थार और एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो चोर नहीं ले गए, लेकिन थार ले गए, हमारी हवेली से चोरी कैसे हो सकती है यार? ये तो बहुत ही बड़ा वाला मुद्दा हो गया। अभी के अभी फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, क्योंकि उसी ने मॉडिफाई कराया था, वही पता लगा सकता है कि हमारी जो थार है वो कहाँ पे मिलेगी। बहुत ही बड़ा वाला हमको गुस्सा आ रहा है यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, हमारी थार चोरी करके लेके भाग गए। रुको, अभी मैं फटाफट से फ्रैंकलिन को कॉल करके सारा कुछ बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या हुआ हमारी हवेली में, कौन सी कार कैसे चोरी हो गई। चलो मैं फटाफट से अभी मैं सिद्धू मूसेवाला फ्रैंकलिन को कॉल लगा लेता हूँ।
तो सिंचन या ठंड के मौसम में भाई बीच के किनारे और पीठ की मालिश तो मजा ही आ जाता है। अरे फ्रेंकी भैया कितना कराओगे मेरे से, मैं थक गया हूँ। अबे भाई थोड़ा अच्छे से कर, तू डांस भी कर रहा है, थोड़ा अच्छे से कर ले। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार कितना मेरे से मसाज तेल करवाते हो। अबे भाई कर दे, तेरे को इतने सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा, तू पेट भर भर के खाना। अरे वो तो खाऊंगा ही, आप मेरे से इतना भाई सब करवाते हो। अबे भाई अब तू डांस वांस चेंज करते रह, स्टेप चेंज करते रह अपना, और भाई मेरा मालिश होते रहेगा। अरे फ्रेंकी भैया घर चलो यार, मेरे को भूख लग गई, पिज्जा बर्गर खिला दो यार। अबे भाई थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा कर लेगा तो भाई घर चलेंगे। अरे हो गया फिर की भैया, क्या कर रहे हो यार। अबे भाई थोड़ा सा और कर ले भाई, क्या तड़पा रहा है तू भाई, चल यार बहुत हो गया, चल फटाफट से अब घर चलते हैं। अरे फ्रेंकी भैया मजा आया ना बहुत। अबे हाँ यार काफी ज्यादा मजा आया, और गाइस यार सामने देख सकते हो एक बड़ा सा समुंदर है, बड़ा सा, सब समुंदर तो बड़े बड़े ही होते हैं ना सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। अबे हाँ यार, तो गाइस यार आज हम लोग बीच के साइड में आए, काफी शाम का टाइम नहीं है, मतलब सुबह सुबह का टाइम में आए हैं, और गाइस देख सकते हो मस्त है ना सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया रोज आया करो इधर टहलने फिरने। अबे रोज क्या करेंगे आके भाई, कभी कभी आ जाएंगे कर रहे। चल सिंचन फटाफट से अब घर चलते हैं और घर जा। अबे ये किसका कॉल आ रहा है। अरे फ्रेंकी भैया किसका है यार। अबे ये तो सिद्धू मूसेवाला जी का कॉल है। अरे फ्रेंकी भैया उनकी नई वाली कार डिलीवर करनी है क्या। अबे हाँ हो सकती है, नई वाली कार डिलीवर करनी होगी। अरे फ्रेंकी भैया तो सोच क्या रहे हो, फटाफट से कॉल को रिसीव करो। अबे हाँ यार सोच क्या रहा हूँ, फटाफट से कॉल को रिसीव करके बात कर ही लेता हूँ। अरे हाँ फ्रेंकी भैया करो करो मैं सुन रहा हूँ। अबे तू चुप रहेगा तो ही कॉल रिसीव करूंगा ना। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया उठाओ उठाओ। हेलो सिद्धू मूसेवाला जी, क्या हाल चाल है, न्यू वाली कार की डिलीवरी करनी है क्या। अरे यार मैं सिद्धू मूसेवाला बोल रहा हूँ फ्रैंकलिन, हमारे हवेली से एक कार चोरी हो गई है। अबे कौन सी कार चोरी हो गई, अभी तो हम लोगों ने दो कार डिलीवर करी है, कौन सी हो गई। अरे यार महिंद्रा की थार हो गई है यार फ्रैंकलिन, यार तुम ही कुछ कर सकते हो, उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया था ना तुमने। अबे हाँ यार मैंने तो जीपीएस सिस्टम लगवाया था। अरे हाँ जहाँ पे तुमने मॉडिफाई कराया था वहाँ पे जाके पता करो वो अभी कहाँ पे मिलेगी। अबे भाई ये तो बड़ा पंगा हो गया भाई, आपके गार्ड वार्ड कहाँ थे, आपके बाउंसर या बॉडीगार्ड। अरे यार पता नहीं दो बाउंसरों को किसी ने मार डाला है और मैं हमारी थार को चोरी करके लेके भाग गए हैं। अबे ऐसी बात हो गई क्या। अरे हैं फ्रैंकलिन यार ऐसी ही बात है, कुछ करो यार कैसे भी करके हमारी थार को, पुरानी थार को लौटा दो यार। अबे आप टेंशन न लो, मैं करके दूंगा आपको। अरे ठीक है फ्रैंकलिन ठीक है। अबे ठीक है मैं फटाफट से आता हूँ हवेली में आपकी कार बहुत बढ़िया तरीके से लेके। तो चल यार सिंचन किसी ने भाई चोरी कर ली है। अरे फ्रेंकी भैया कपड़े तो पहन लो। अबे हाँ यार मैं कपड़े लेके आया हूँ, फटाफट से पहन लेता हूँ। गाइस यार फाइनली मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए, अभी फटाफट से जाना है, कहाँ पे पता है तेरे को। अरे हाँ फ्रेंकी भैया जहाँ पे हम लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की थार खरीदी थी। अबे हम लोगों ने थोड़ी खरीदी थी। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बाहर से आई थी, हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया था ना सिमियन टकले के शॉप पे। अबे हाँ सिमियन टकले पे शॉप पे जाना पड़ेगा गाइस, और सिमियन टकला ही बता सकता है कि वो वाली मॉडिफाइड कार भाई वो है। अरे फ्रेंकी भैया क्या कर रहे हो यार, आराम से चलाओ, क्यों इतना ठोकते हो। अबे ठोका क्या। अरे फ्रेंकी भैया ये देखो ठोके ना। अबे हाँ यार थोड़ा मोड़ा तो ठोकना बनता है भाई, ये वाली कार भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो अभी हम लोग फिलहाल गाइस जा रहे हैं सिमियन के शॉप पे, क्योंकि वहीं पे हम लोगों ने थार को मॉडिफिकेशन कराया था, जीपीएस सिस्टम वगैरह सारा कुछ वहीं पे इंस्टॉल हुआ था। तो वो भाई अपने मोबाइल में देख के बता देगा कि भाई वो अभी जो मेन लोकेशन है अभी थार का कहाँ पे है। तो चलो यार जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइस यार सजेशन दे देना, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में कौन सी वीडियो आनी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। अभी गोकुल धाम की भी वीडियो आएगी और प्लस हवेली की भी वीडियो आएगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होते रहेगा हमारे चैनल पे, और भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आती रहेगी। अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो आ गए क्या। अबे हाँ यार आ गए, डायरेक्ट अंदर जाता हूँ क्योंकि भाई अभी। अरे फ्रेंकी भैया ये डायरेक्ट शोरूम में आके मार दिया एक बंदे को। अबे कुछ नहीं अभी हम लोग हड़बड़ में काम कर रहे हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला की थार चोरी हो गई है भाई, छोटी बात थोड़ी है यार। चलो मैं फटाफट से डायरेक्ट सिमियन से बात करता हूँ। हेलो सिमियन यार तेरे से बहुत ही अर्जेंट काम है। अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया ब्रो, इतना अर्जेंट क्या है। अबे भाई सिद्धू मूसेवाला की थार चोरी हो गई है, तू फटाफट से बता वो अभी कहाँ पे मिलेगी। अरे ब्रो फटाफट से बता दूंगा यार, तुम इतने टेंशन मत लो ब्रो। अबे वो टेंशन लेने वाली बात ही यार, सिद्धू मूसेवाला की थार चोरी हो गई है और तू बोल रहा है भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट से तू भाई अपने फोन में देख ले। अरे ब्रो देखता हूँ और तुमको तुरंत बताता हूँ कि वो अभी थार कहाँ पे लोकेट कर रहा है। अबे हाँ यार जल्दी बता। अरे यार ये तो बलास गैंग के मेंबर के एरिया में कर रहा है। अबे क्या बात कर रहा है, वो तो खतरनाक लोग है। अरे हाँ वो बलास गैंग वाले के एरिया में है, या जाके ले लो। अबे भाई सिंचन यार बलास गैंग वालों के। अरे फ्रेंकी भैया वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, आप कैसे लोगे उनसे। अबे भाई खतरनाक होते हैं तो खतरनाक होने दो। अरे फ्रेंकी भैया यहाँ से नहीं जाएगा। अबे चला जाएगा भाई, अबे सच में नहीं गया भाई, यहाँ पे नहीं गया। चलो यार यहाँ से हम लोग यू टर्न लेते हैं और फटाफट से गाइस यार बालास गैंग वालों के इलाके में चलते हैं,
और बलास गैंग वालों के इलाके में जाने के बाद गाइज हम लोगों को कैसे भी करके गाइज बलास गैंग के मेंबरों से कैसे भी करके उस वाली कार को गाइज और थार हमारी कार है उसको भाई कैसे भी करके सिंचन लेके जाना है हवेली में पहुंचा देना है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया वो लोग बहुत ही खतरनाक है, उनसे बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ना पड़ेगा। अबे हाँ यार बलास गैंग वाले काफी ज्यादा खतरनाक है और बलास गैंग को भाई पता चल जाएगा अगर सिद्धू मूसेवाला जी को कि बलास गैंग वालों ने भाई उनकी कार चोरी की है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भाई कुछ भी कर देंगे उनके साथ। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार सिद्धू मूसेवाला जी कम थोड़ी है, वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ियार है। अबे हाँ यार बढ़ियार मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो भाई चलो यार फटाफट से चलते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी वाले रास्ते में भी जाएंगे हम लोग फिलहाल, अभी हम लोग जा रहे हैं उस वाले लोकेशन पे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो चलो फटाफट से। अबे हाँ यार ये सामने भाई बंदा दिख रहा है, ये सारे बंदे दिख रहे हैं ना किनारे किनारे खड़े हैं। अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अबे यही सारे बंदे बलास गैंग के मेंबर है, इधर ही देखना आसपास कई कार खड़ी होगी। अरे फ्रेंकी भैया दिख तो नहीं रहा है यार अभी। अबे हाँ यार अभी नहीं दिख रहा है, मतलब आगे दिखाई देगा। अबे वो देख सामने खड़ी है थार। अरे हाँ फ्रेंकी भैया ये तो सिद्धू मूसेवाला की थार ही है। अबे वो देख सामने लगी है, वहाँ पे काफी सारे बंदे हैं भाई, डायरेक्ट हम लोग भाई हमला नहीं कर सकते, एक काम करते हैं इस वाले कार को इधर ही रखते हैं, तू भी इधर ही रहना आराम से। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया आप जाओ यार। अबे तू भी इधर ही रहना, तू आ जाना इस वाले कार को लेके। तो फिलहाल ये वाली हम लोग की थार है और गाइस यार यहाँ पे बंदे खड़े हैं इनको। ओबे भाई इनको पता चल गया क्या? अबे ये तो भागने लगा। अरे फ्रेंकी भैया गोलियां बरसने लगी। अबे भाई ये तो फायरिंग करने लगे। गाइस यार इनको पता चल गया है कि मैं आया हूँ भाई इस थार को फिर से दोबारा से ले जाने सिद्धू मूसेवाला की हवेली पे, इसलिए गाइस यार इनको तो वाट लगा डालूंगा। अरे फ्रेंकी भैया यार कैसे कर रहे हो, सबको खत्म करके ही मारना है। अबे भाई ये देख भाई। अरे फ्रेंकी भैया डॉगी आ गया एक। अबे डॉगी को भाई इनकी भाई डॉग भाई मतलब कि इन लोगों ने कुत्ते भी पाल रखे हैं, इन पे कोई हमला। अबे ये तो चौप की जैसा लग रहा था। गाइस यार ये भाई कितने बंदे हैं भाई, सबको मार दूंगा। ये बलास गैंग के मेंबर है, ये देखो भाग रहा है कैसे। गाइस यार मेरे से डर के कहाँ पे भागेगा। तो गाइस यार मैंने सारे लोगों को फिलहाल टपका डाला है और ये हमारी थार लगी है, अभी और भी सारे लोगों को ये बंदा इसको भी टपकाऊंगा, ये भी तू भी गया। गाइस यार सबको मारना है कैसे भी। भाई साहब इतने ज्यादा बंदे आ रहे हैं, सारे लोगों को टपकाना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है सिंचन। अरे थैंक यू, ये सारे लोगों को मारना जरूरी नहीं है, अब फटाफट से कार लेके निकलो यहाँ से। अबे हाँ यार सारे लोगों को मारना अब जरूरी नहीं है, फटाफट से कार लेके निकलना पड़ेगा, जितने देर तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे उतना ज्यादा पॉसिबल है, मतलब कि दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अरे हाँ फ्रेंकी भैया छोड़ो यार, अब फायरिंग मत करो यार, गोलियां बर्बाद क्यों कर रहे हो। अबे हाँ यार अब इस वाले थार को गाइस यार लेके भागते और गाइस यार फटाफट से पहुंचा देते हैं हम लोग इनको हवेली पे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो जल्दी चलते हैं। अबे तू एक काम कर भाई सिंचन, यहाँ से फटाफट से तू निकल जा वो वाली अपनी छोटी सी रेड वाली कार लेके सिमियन के शॉप पे। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया मैं निकल जाता हूँ। अबे हाँ तू निकल जा। तो गाइस यार मैंने सिंचन को फिलहाल भेज दिया है, लेकिन इनकी वाट लगा डालना पड़ेगा क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कितने बड़े भाई इनका गैंग बहुत ही बड़ा होता है, बलास गैंग के मेंबर बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो सारे लोगों को गाइस यार निपटा के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिंचन को भेज दिया है। वो चला जाएगा तो भाई अच्छी वाली बात होगी, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो भाई उसको भी गोलियां वोलियां लग सकती है। मैं तो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहता हूँ हमेशा, तो मेरे को ज्यादा कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है। ओ भाई ये देखो भाई अभी तो भाई और ज्यादा आने लगे भाई, अब तो कार वार से आने लगे, इसलिए गाइस यार मेरे को यहाँ से ये देखो भाई 4-5 कार लेके आ गए। अभी एक काम करता हूँ भाई, ये कार लेके पहले फुर्सत में निकल जाता हूँ, वरना गाइस यार ज्यादा आ जाएंगे तो मैं भी अकेला भाई बुरा फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और इनके बहुत सारे मेंबर आते जा रहे हैं, तो भाई निकलना बनता है। तो चलो यार फटाफट से निकलते इधर से और पहुंचते हैं डायरेक्ट हम लोग सिमियन के शॉप पे, क्योंकि भाई इसको भाई ये क्या हो गया। अबे भाई इन लोगों ने मेरे को टायरों पे मारना भाई चालू कर दिया है, यानी कि ये लोग मेरे को रोकना चाह रहे हैं। अब गड्डी भाई बर्बाद होने जाए कुछ भी हो, लेकिन भाई कैसे भी करके मेरे को भागना पड़ेगा, जान तो बचानी पड़ेगी उसके साथ कार भी बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई चक्के वक्के पंचर होने स्टार्ट हो गए हैं इन लोगों ने, गाइस यार चारों चक्के को लगता है पंचर कर दिया है, दो चक्के तो भाई निकल के भाई कहाँ पे फेंका गए कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत बुरी तरीके से गाइस यार ये क्या हो गया है हमारी कार को। तो धीरे धीरे करके गाइस कैसे भी पहुँचना पड़ेगा, वो भाई चारों टायर भाई पंचर हो गए। तो एक काम करता हूँ सिमियन के शॉप पे तो हम लोग आ गए, डायरेक्ट गैराज में जाता हूँ और देखो बॉडी पे भी काफ़ी सारे बुलेट्स लगे हैं गाइस, तो इसको पूरा का पूरा रिपेयर भी कराना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे भाई कैसे भी करके भाई हवेली पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली कार लगाई। सिंचन तू आ गया? अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार अभी तो आया। अबे भाई अभी कब से तू आ गया होगा। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लेके इस वाले, भाई देखो यार नंबर प्लेट भी उड़ गया है और ये टायर वायर तो भाई पूरी तरीके से खराब ही हो गए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो चलो यार एक काम करना पड़ेगा मेरे को और सिमियन से मेरे जाके बात करनी पड़ेगी कि उसको फटाफट से भाई पहले जैसा रिपेयर करके दे दे, क्योंकि अभी डायरेक्ट इसको हम लोगों को हवेली में जाके देना है। यार सिमियन हम लोगों ने गड्डी लेके आ गए। अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो,
गड्डी लेके आ गए क्या? अबे हाँ यार, उसको जाके फटाफट से तू रिपेयर कर दे और देख ले भाई क्या क्या उसमें लगेगा क्या नहीं लगेगा। अरे ठीक है ब्रो, रुको रुको, मैं अभी कार जाके चेक कर लेता हूँ कितनी ज्यादा खराब हुई है, अभी मैं उसको रिपेयर भी करा दूंगा। अभी तो ये भाई साहब मैंने मॉडिफाई कराया था अभी तुरंत। ओ भाई, इसके टायर तो खराब हो गए, मतलब कि पूरा का पूरा टायर पंचर हो गया और भाई निकल के कहाँ कहाँ पे गिर गए। अभी पेंटिंग डेंटिंग शुरू से करानी पड़ेगी यार, पूरे के पूरे बल्ले बल्ले हो गए इसके। अरे यार फ्रैंकलिन, इसको कैसे भी करके यार पूरा का पूरा डेंटिंग पेंटिंग और चक्के वक्के लगाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। मैं फटाफट से अभी के अभी कॉल करता हूँ वर्करों को और बुला के अभी इसको भाई फिर से रिपेयर करके मॉडिफाइड जैसे पहली थी वैसे करा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो गाइस यार, दो बंदे आए हैं अभी फिलहाल और भाई काम स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दो ही बंदे काफी थे, क्योंकि बस यार इसकी पेंट करनी है और चारों चक्के भाई चेंज करने हैं और जहां जहां बुलेट लगी है उसको भाई क्लीन करके वहां पे भाई फिर से पेंट वेंट करने हैं। तो गाइस यार देखते हैं कब तक ये पेंट सेंट का काम कंप्लीट हो जाता है। तब तक आपने हमारे चैनल को गाइस यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है और नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा की तरह लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहती है गाइस। तो चलो यार देखते हैं कब तक ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस यार फाइनली 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 सिद्धू मूसेवाला की जो पहली थार थी, मतलब पुरानी वाली जैसी थार थी, वैसा ही भाई हूबहू पूरा का पूरा डेंटिंग पेंटिंग हो गया है, चक्के वक्के सेम टू सेम हम लोगों ने लगवा दिए। अरे फ्रेंकी भैया चलो यार अब गोकुलधाम सोसाइटी में। अब गोकुलधाम सोसाइटी में क्या करेगा, जाके भाई हवेली में पहले ये डिलीवर करनी है, उसके बाद गोकुलधाम सोसाइटी वालों का काम करेंगे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया वही वही। अब वही वही क्या बोलते रहता है। तो गाइस यार ये वाली थार आप लोगों को कैसे लगती है, महिंद्रा की थार है, स्पेशल वाली मॉडिफाइड थार है सिद्धू मूसेवाला की, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो देख सकते हो गाइस यार फुल्ली मॉडिफाइड थार है, चक्के वक्के भाई पूरे का पूरा मस्त भाई पहले जैसा भाई, इसमें बहुत सारे गोलियां लगी थी जिससे भाई चक्के वक्के पंचर हो गए थे और भाई काफी सारे इसमें भाई छेद वेद हो गए थे, तो सारा का सारा रिपेयर हो गया है। अभी फिलहाल अभी हम लोग भाई बैठते हैं और चलते हैं, निकलते हैं भाई हवेली की तरफ। अरे हाँ फ्रेंकी भी आराम से चलाना, आप बहुत तेज चलाते हो गड्डी को। अबे हाँ यार मैं तो आराम से चलाऊंगा। तो चलो यार फटाफट से निकलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी की ओर, और भाई गोकुलधाम सोसाइटी वाले रास्ते में है ना। अरे हाँ फ्रेंकी भी यार गोकुलधाम सोसाइटी से थोड़ा और आगे जाते हो तो विलेज का। अबे भाई ये देखो भाई क्या कर रहे। अरे हाँ फ्रेंकी भी विलेज का रास्ता आता है उसी वाले रास्ते में है ना। अबे हाँ यार गोकुलधाम सोसाइटी से थोड़ा और आगे जाएंगे तो भाई आ जाता है हम लोगों का हवेली, तो हम लोग दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं भाई। गोकुलधाम सोसाइटी जाए बिना भी हम लोग बहुत सारे रास्ते से जा सकते हैं सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया क्या कर रहे हो। अबे ये ले मेरा स्टंट, और गाइस यार यहाँ पे देखो खतरनाक वाला ये स्टंट, आपको कैसा लगा आपको उनमें जरूर बताना। और ये देख सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया आगे देखो। अबे कुछ नहीं होगा, अभी इसको मैंने भाई पूरा का पूरा ऐसा मॉडिफाई करा है, इसमें टक्कर वक्कर भी हो गई ना, तो इसको ज्यादा कुछ होगा नहीं, पूरा बुलेट प्रूफ बनवा दिया है। अरे फ्रेंकी भैया तब तो बढ़िया वाली बात है यार। अबे हाँ यार बढ़िया वाली बात होगी। तो चलो यार फटाफट से हम लोग सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली पे पहुंचते हैं। एंड गाइस यार हवेली अब ट्रांसफर हो गया है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो आज मैं पूरा हवेली का लुक भी दिखाऊंगा और काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से भाई उसको बढ़िया तरीके से बना दिया गया है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया देखो यार हम लोग हवेली दूसरे रास्ते से आए है ना। अबे हाँ यार अभी हवेली दूसरे रास्ते से आए और भाई ये गाँव के इलाके में अभी हवेली बन गई है, तो देख सकते हो यही हवेली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पहली बार देखो उस साइड में भाई सिद्धू मूसेवाला जी का पूरा जमीन वमीन खेती वेती होता है। और चल सिंचन हम लोग इस वाले, अबे यहाँ पे गेट वेट भी लग गया इस बार। अरे फ्रेंकी भैया कैसे खुलेगा। अबे मेरे को क्या पता ये कैसे खुलेगा, तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, खुलेगा या नहीं खुलेगा हम लोग इस वाले रास्ते तो अंदर जा ही सकते। और ये हम लोग हवेली के अंदर एंट्री लेते, और ये देखो गाइस यार लाइट वाइट भी लग गई है हवेली में, भाई नीचे का फ्लोरिंग भी हो गया है और भाई धीरे धीरे करके अभी और भी काफी सारे। ओ भाई यहाँ पे देख दो बॉडीगार्ड मरे पड़े हैं। अरे फ्रेंकी भैया लगता है वही थे। अबे यही थे जिनको भाई मार के और भाई साहब दो बॉडीगार्ड को टपका के और भाई की सिद्धू मूसेवाला की थार चोरी करके बंदे ले गए। पता नहीं कितने बंदे आए होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं, आप कमेंट में बताना कि कितने बंदे आए थे और भाई उनकी कार को चोरी लेकर गए। तो चलो यार सिद्धू पाजी से बोल देते हैं कि उनकी कार को हम लोग भाई दोबारा से लेके आ गए हैं, बढ़िया तरीके से रिपेयर करा चुके हैं और एकदम बढ़िया लग रही है। तो चलो यार ये रहा हवेली के अंदर का इंटीरियर, नया लुक आप लोग देख सकते हो, कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार जाओ यार सिद्धू पाजी, आप जाके देख लो यार कि आपकी कैसी लग रही है थार, हम लोग भाई लेके आ गए हैं भाई, देख लो आप जाके फटाफट से सिद्धू पाजी। अरे यार फ्रैंकलिन तू कमाल का काम कर दिया तुमने यार, तुमको तो इनाम मैं दूंगा, तुमने मेरी पुराने वाली थार को फिर से वापस ला दिया। चलो चलो बाहर जाके देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने कैसा भाई साहब बढ़िया तरीके से लाया है कि नहीं। यार हमारी थार बहुत ही बढ़िया यार, कैसे कैसे लोग आते हैं हमारी हवेली में चोरी करके लेके चले जाते। ओ भाई साहब मेरी पुरानी वाली थार फिर से आ गई है हमारी हवेली में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिला अपनी थार को देख के यार, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत
बहुत ही बढ़िया, चलो चलो अंदर भी जाके बैठ के देख लेता हूँ, सब बढ़िया है ना, सब चीज बढ़िया से लाया है ना फ्रैंकलिन ने करके। तो गाइस यार जब से हवेली दूसरी जगह शिफ्ट हुई है इसमें बहुत सारे चेंज आए हैं। देखो यार पूरा का पूरा इंटीरियर में बहुत सारे चीजें आ गई है डेकोरेशन की। और भाई इस वाले गेम को क्या बोलते हैं, आपको खेलने आता है या नहीं आप कमेंट में जरूर बताना। तो यार यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें, ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें डेकोरेट करके रह गई है, जिनको भाई अवार्ड अवार्ड भी मिला है वो भी यहाँ पे भाई साहब ये रखे हैं, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे कितने तगड़ा तरीके से पूरा इंटीरियर को डेकोरेट किया गया है। तो चलो यार बाहर चलते हैं। सिद्धू पाजी अपनी कार को देख रहे हैं और दो बॉडीगार्ड को मार के इनकी कार को चोरी कर लिया गया था। यहाँ पे देखो सिद्धू पाजी है अपनी कार में और भाई कैसे कैसे लोग आते हैं चोरी करके लेके चले जाते हैं, तो भाई बहुत दिल से बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं, कार तो उनकी आ गई है थार पहली वाली। आप लोगों को पूरा नया वाला हवेली का पूरा लुक दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा ड्रोन एंगल से व्यू कि कैसा है। देखो यार न्यू हवेली काफी ज्यादा पहले वाले हवेली से डिफरेंट है, धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे, अभी हवेली को धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से और भी बढ़िया बनाएंगे धीरे धीरे करके, बहुत सारी चीजें इसमें लाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये हम लोग वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं सिद्धू मूसेवाला जी के लिए, तो उनके लिए आरआईपी तो लिखना बनता है ना गाइस। तो भाई देख सकते हो क्या तगड़ी वाली ये हवेली, आप लोगों को ये हवेली कैसे लगी आप कमेंट में जरूर से जरूर बताना। पूरा का पूरा चेंज हो गया है पहले वाले की तरह से भाई, अब पूरा मस्त बन गया है भाई। फ्लोर वोलोर भी हम लोगों ने चेंजेस वेंजेस करा दिए। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में।